Good morning. Today is 19th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन-कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पेज पे ये आर्टिकल, बीच में ये बड़ा आर्टिकल और नीचे ये आर्टिकल, तीनों आर्टिकल्स इलेक्शन के रिजल्ट से संबंधित हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी है, सारी डिटेल्स डिस्कस की गई हैं। कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, कौन से ग्रुप ने किसको वोट दिया, ये सब चीजें यूपीएससी के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भी ज्यादा टाइम इन चीजों पे वेस्ट मत कीजिएगा। पहले पेज पे नीचे ये जो आर्टिकल है दो क्राइम से संबंधित है। साउथ इंडिया में दो ये क्राइम्स हुए थे, काफी चर्चा में आए थे। ट्रायल कोर्ट ने इन दो क्राइम्स पे दो सालों के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाया, तो इससे जस्टिस पे जो विश्वास है, जुडिशरी पे जो विश्वास है, वो लोगों का बढ़ गया है। तो बस एग्जाम्पल की तरह कहीं इस्तेमाल हो सकता है, कुछ सब्सटेंस नहीं है, इस आर्टिकल में नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पर यह बड़ा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में रिसर्च क्यों नहीं प्रमोट हो रही है, डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस आर्टिकल पे। नीचे ये आर्टिकल इनइक्वालिटी से संबंधित है, अमीर और गरीब के बीच की असमानताएं बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट इस गैप को कैसे कम कर सकती है, क्या अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगा के गवर्नमेंट इस गैप को कम कर सकती है या फिर नहीं, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैम्बू ट्री से संबंधित, किस प्रकार से बैम्बू ट्री को यूज किया जा सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए और कितने ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं बैम्बू ट्री के, वो सब डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे अपने डिस्कशन में, उन डिटेल्स को शामिल करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 के बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल। तीन क्वेश्चंस को मेनली हम एड्रेस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन, हमारे साइबर स्पेस पे किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। गवर्नमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी पर आधारित काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे आधार, MyGOV.in, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, डिजी लॉकर, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया। ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। थर्ड लार्जेस्ट हब है हमारा देश टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, यानी सिर्फ दो देश हमसे ऊपर हैं जहां हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं। और सबसे लास्ट में पॉइंट है ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो वैल्यू है वो 2020 तक हमारे देश में $225 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगी। ये सब पॉइंट्स शो करते हैं हमारा देश टेक्नोलॉजिकल काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी इनहेंस हो रही है, इवन इनोवेशन भी काफी तेजी से आ रही है टेक्नोलॉजी में। लेकिन साइबर स्पेस को अब सिक्योर करने की आवश्यकता है। अगर साइबर सिक्योरिटी को हम हमारे देश में इंश्योर नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी के लिए खतरा पैदा कर सकता है, ये हमारी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करें। कुछ फैक्ट्स भी रखते हैं राइटर। राइटर कहते हैं सीमनटेक की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट 2017 कहती है कि साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से इंडिया 5वां मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का कहना है जून 2017 तक इंडिया में 27,482 यानी 27,482 साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स रिपोर्ट की गई हैं। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारा देश इस खतरे को रिकॉग्नाइज करता है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये वो इंडेक्स है जो शो करता है कि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो कितना कमिटेड है अपने अपने देश में साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो इस इंडेक्स में इंडिया को मिला है 23rd रैंक आउट ऑफ 165 कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि इंडिया कम से कम 23वें नंबर पे कमिटेड है अपने देश में साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इंडिया साइबर सिक्योरिटी के खतरे को रिकॉग्नाइज करता है हमारे देश में, ये एक अच्छी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है किस प्रकार के अटैक्स हो सकते हैं हमारे साइबर स्पेस पे। इसी साल वर्ल्ड के विभिन्न देशों के कंप्यूटर्स पे रैंसमवेयर मालवेयर ने अटैक किया। जिसके कंप्यूटर पर ये रैंसमवेयर मालवेयर ने अटैक किया था, फिरौती मांगी जा रही थी, यानी जिस पर्सन का कंप्यूटर था उसे रोका जा रहा था अपने ही डेटा को एक्सेस करने के लिए। आप पैसा दीजिए तभी आपको अपना डेटा एक्सेस करने दिया जाएगा, अदरवाइज आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इस प्रकार का अटैक था रैंसमवेयर मालवेयर का अटैक। रैंसमवेयर मालवेयर के बाद में बहुत सारे वायरसेस ने अटैक किया, मालवेयर्स ने अटैक किया, जैसे लोकी, सर्वर, बुकबी, सार्क, रास, क्रिप्ट, ट्रिपल एक्स, सैमसम, ये सारे साइबर अटैक्स थे। देखो हुआ क्या, जैसे ही रैंसमवेयर जो हैकर्स ने ये अटैक किया था रैंसमवेयर मालवेयर की सहायता से, ये सक्सेसफुल साबित हुआ, उसके बाद साइबर अटैकर्स में एक मोटिवेशन आ गया
कि अगर रैंसमवेयर मालवेयर का जो अटैक है वो सक्सेसफुल साबित हो सकता है, किसी भी देश की एजेंसी उन हैकर्स को नहीं पकड़ पाई, तो साइबर अटैकर्स और ज्यादा मोटिवेट हो गए और ज्यादा अटैक्स को कैरी आउट करने के लिए, तो खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। और धीरे धीरे जो हैकर्स हैं वो फिरौती की जो रकम है वो भी बढ़ाने लगे हैं। हमारे देश में खतरा किस प्रकार से है, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जोमैटो, जिस प्रकार से स्विगी है उसी प्रकार से जोमैटो है। जोमैटो का जो डेटा है वो चोरी हो गया, 17 मिलियन यूजर्स का जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन का डेटा चोरी हो गया और हैकर्स ने उस डेटा को डार्कनेट पे डाल दिया। डार्कनेट क्या है? डीप वेब भी कहते हैं डार्कनेट को। देखो दो तरह के वेब होते हैं, एक सरफेस वेब एक डीप वेब। डीप वेब को डार्कनेट भी कहते हैं। अब देखो आप किसी भी सर्च इंजन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल में कोई चीज सर्च मारते हो तो गूगल आपको कई सारे रिजल्ट शो करता है वेबसाइट्स के, इन इन वेबसाइट्स पे आपने जो चीज सर्च मारी है वो आपको मिल सकती है। तो ये तो हुआ सर्वेस वेब, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं किसी भी सर्च इंजन में शो नहीं होंगी, किसी भी सर्च इंजन में वो शो नहीं होंगी। इवन उनकी संख्या 96% है। जो रिजल्ट्स आपको सर्च इंजन में दिखते हैं गूगल में या फिर दूसरे सर्च इंजन में, उन वेबसाइट्स की संख्या है सिर्फ 4%, जबकि 96% जो वेबसाइट्स है वो तो आपको सर्च इंजन में दिखती ही नहीं है क्योंकि उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती। सर्च इंजन में सिर्फ आपको वही वेबसाइट्स दिखती हैं जिनकी इंडेक्सिंग हुई होती है, और डार्कनेट में वो वेबसाइट्स होती हैं जिनकी इंडेक्सिंग नहीं होती है। अब देखो जनरलाइज नहीं कर सकते, वैसे डार्कनेट का जो इस्तेमाल है आमतौर पे इलीगल कामों के लिए किया जाता है। हैकर्स किसी प्रकार का लेन देन करना चाहते हैं तो वो डार्कनेट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि डार्कनेट में जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी इंडेक्सिंग तो हुई नहीं होती है, इसीलिए उनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए डार्कनेट का यूज किया जाता है इलीगल कामों के लिए। किसी तरह की अगर पोर्नोग्राफी है गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दी गई है तो वो डार्कनेट पे चली जाएगी, मतलब जो उसके ओनर्स हैं उसको डार्कनेट पे डाल देंगे। इवन जो हमारे देश में वेश्यावृत्ति है वो भी काफी ज्यादा होती है डार्कनेट पे। तो ये डार्कनेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। वैसे नॉलेज के लिए अगर आपको डार्कनेट की वेबसाइट्स को एक्सेस करना है, मतलब उन वेबसाइट्स को आप एक्सेस करना चाहते हो जिनकी इंडेक्सिंग नहीं हुई है, जो नॉर्मल सर्च इंजन्स में शो नहीं होंगी लेकिन डीप वेब में वो वेबसाइट्स हैं, तो टोर ब्राउजर की सहायता से आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। देखो इसके अलावा एक उबेर है, उबेर का डेटा भी चोरी हो गया था, उनका 57 मिलियंस का राइडर्स का डेटा चोरी हो गया था। उबेर ने हैकर्स के साथ नेगोशिएशन किया कि आप वर्ल्ड को, दुनिया को यह मत बताइएगा कि हमारा डेटा चोरी हो गया है। इसके बदले में उबर ने हैकर्स को $1,00,000 की रकम अदा की। पहले इस प्रकार का जो खतरा होता था वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा होता था, लेकिन अब एंड्रॉइड थ्रेट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इवन पहले यह कहा जाता था जो मैक कंप्यूटर्स हैं यानी एप्पल के द्वारा जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो सिक्योर हैं, लेकिन अब उन पे भी अटैक होने लगा है। यानी जो साइबर सिक्योरिटी का जो खतरा है वाकई में काफी गंभीर है, इसलिए बहुत जल्द अर्जेंट और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। अभी हाल ही में हमारे देश में दिल्ली में 15th एशिया पैसिफिक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें कहा गया था मिनिस्टर्स के द्वारा और जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने कहा था साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो इस क्षेत्र में, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप इनोवेशन करता है तो हम उस स्टार्टअप को 5 करोड़ रुपए देंगे। इसीलिए ये है कि अभी जो देखो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको अमेंड करके समय के अनुसार टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई साइबर सिक्योरिटी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है उसके एस्पेक्ट्स काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है हमारी पुरानी हो जाएगी तो वो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में असक्षम हो जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, फंड्स की कमी नहीं आनी चाहिए और कोलैबोरेशन करने की भी आवश्यकता है विभिन्न कंट्रीज के साथ में। अगर डिफरेंट नेशंस साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपस में कोऑपरेट करेंगे तो ये साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काफी अच्छा होगा, साइबर स्पेस को इंश्योर किया जा सकेगा। और लास्ट में बात आती है यूएन में भी किसी प्रकार की डिक्लेरेशन होनी चाहिए, किसी प्रकार की कन्वेंशन साइन होनी चाहिए सभी देशों के द्वारा, ताकि अगर दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता भी है तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में वो युद्ध नहीं होना चाहिए, यानी इंटरनेट को टच नहीं करना चाहिए उन देशों को जो साइन करेंगे यूएन की उस डिक्लेरेशन या फिर उस कन्वेंशन को जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए होगी। तो ये पूरा आर्टिकल था साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एग्जामिन द वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन साइबर स्पेस। पहले आपको एग्जामिन करना है हमारा जो आज साइबर स्पेस है किस प्रकार के विभिन्न चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके बाद आपको कुछ मेजर्स कुछ स्टेप्स भी बताने हैं ताकि इंडिया अपने साइबर कैपेबिलिटी और डिजिटल कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सके और हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। तो कुछ स्टेप्स आपको बताने हैं। 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एसए का कोट भी देख लीजिए।
कोट ये है कि देखो, अगर किसी गरीब व्यक्ति को आप एक कटोरा चावल दोगे तो आप उसको एक दिन के लिए खाना खिला रहे हो, लेकिन अगर आप उसको चावल की खेती करना सिखाओगे तो जिंदगी भर के लिए आप उसकी मदद कर रहे हो। तो मतलब साफ है, इस तरह की चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, हमने ये चीज डिस्कस की थी अमर्त्य सेन के कंटेक्स्ट में। अगर देखो किसी की सहायता आप करना चाहते हो तो आप उसको कैपेबिलिटी दीजिए, उसको स्किल्स दीजिए, वो स्किल्स उस व्यक्ति की जिंदगी भर काम करेंगी, जिंदगी भर मदद करेंगी। अगर आप उसको सब्सिडी दे रहे हो, कुछ पैसा दे रहे हो, तो पैसा कुछ ही दिन चलेगा, जिंदगी भर वो पैसा नहीं चलेगा। लेकिन आप उस पर्सन को कुछ स्किल देते हो, कुछ सिखाते हो, उसकी कैपेबिलिटी को इंपावर करते हो, इनहेंस करते हो, तो जिंदगी भर वो स्किल उस व्यक्ति की काम करेगी और वो गरीब व्यक्ति जिंदगी भर अपनी स्किल की सहायता से अपना लाइवलीहुड कमा सकता है। तो ये कोट है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसे के क्षेत्र में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स दैट शो द सेक्स रेशियो इन ट्राइब्स इन इंडिया इज मोर फेवरेबल? क्वेश्चन ये है अगला कि देखो, ट्राइब्स में जो सेक्स रेशियो है काफी फेवरेबल होता है एज कंपेरिजन टू शेड्यूल्ड कास्ट, क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे? उन रीजंस की आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, 150 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन है, एंगर इज ए हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, गुस्सा एक बहुत ज्यादा खतरनाक और नुकसानदायक नेगेटिव इमोशन है जिससे पर्सनल लाइफ के साथ साथ वर्क लाइफ को भी नुकसान होता है। आपको डिस्कस करना है कैसे नेगेटिव इमोशंस आते हैं गुस्से की वजह से और क्या अनडिजायरेबल बिहेवियर हो सकते हैं और कैसे आप अपने गुस्से को मैनेज करोगे या फिर कंट्रोल करोगे। पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लिखना इसमें, ठीक है, 150 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तीसरा भी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित है, जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल। हमारे देश के काफी सारे ऐसे महान साइंटिस्ट हैं जिनका काफी नाम है इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी में, लेकिन इंडिया में उनको वो नाम, वो रिस्पेक्ट, वो रिवार्ड नहीं मिल पाया है। कुछ नाम इस प्रकार से हैं, अमल कुमार राय चौधरी कॉस्मोलॉजी में इन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की, जे एन रामाचंद्रन प्रोटीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सी के मजुमदार, दीपन घोष इन्होंने क्वांटम हिसनबर्ग स्विन मॉडल में काम किया, तो इनकी काफी रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी में, लेकिन इंडिया की सरकारों ने इन साइंटिस्ट को इवन ग्रेजुएशन की बुक्स में भी जगह नहीं दी है। तो हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारा फंड्स हमारी गवर्नमेंट देती है साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन फिर भी क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस नहीं हो पाती हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में वो रहना चाहते हैं। देखो, ग्लोबल रिसर्च, ग्लोबल इनोवेशन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे देश में साइंटिफिक सोसाइटीज अगर थोड़ा बहुत भी रिसर्च करती हैं तो उनको रिवार्ड मिल जाता है, लेकिन कुछ ही साइंटिस्ट हैं ऐसे जिनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, जिनको फंड्स मिलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो आइसोलेटेड होकर रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन क्वालिटी जो रिसर्च होती है उन्हीं साइंटिस्ट की होती है। साइंटिस्ट बहुत सारी साइंटिफिक सोसाइटीज में जो साइंटिस्ट हैं वो ब्यूरोक्रेट बन गए हैं, उनका एकमात्र मकसद ये रह गया है कि अपने जो जूनियर्स हैं उनकी लॉयल्टी इंश्योर करना, गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स इंश्योर करना, लेकिन रिसर्च की क्वालिटी की तरफ वो साइंटिस्ट जो अब ब्यूरोक्रेट बनके काम कर रहे हैं उस तरफ वो रिसर्च की क्वालिटी की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखो, आवश्यकता ये है कि कुछ फ्रेश ब्लड आए साइंटिफिक क्षेत्र में हमारे देश में, लेकिन अगर जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है यानी बाहर के देशों में जो हमारे साइंटिस्ट गए हुए हैं, काफी सारे साइंटिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में गए हुए हैं, वहां पे जाके वो रिसर्च करते हैं और इनको उनकी जो रिसर्च है वो काफी सक्सेसफुल साबित होती है, लेकिन वही साइंटिस्ट जब इंडिया में आके काम करना चाहते हैं तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको फंड्स नहीं मिलते, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे इंडिया में साइंटिस्ट हैं वो ब्यूरोक्रेट बन गए हैं और वो साइंटिफिक क्षेत्र पर कब्जा करके रखना चाहते हैं। अब रोड ब्लॉक की बात आती है, हमारे देश में इनोवेशन और रिसर्च में क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं। देखो, दो तरह की साइंस होती है, एक थ्योरेटिकल साइंस, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस। थ्योरेटिकल साइंस का मतलब यह है थ्योरी में आप किसी तरह की रिसर्च करते हो, तो थ्योरी में रिसर्च करने के लिए आपको फंड्स की आवश्यकता नहीं है, आपको मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में थ्योरी में भी रिसर्च का जो लेवल है वो बड़े कंट्रीज के लेवल के हिसाब से नहीं है, जबकि साइंटिस्ट थ्योरी में तो रिसर्च कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, और फंड्स शुरुआत में नहीं, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ किसी चीज में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट शुरू शुरू में तो फंड्स दे दे, नहीं, लगातार फंड्स की आवश्यकता होती है, तो कई बार इस क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट की तरफ से भी।
और एक्सपेरिमेंट साइंस का दूसरा एस्पेक्ट ये है, साइंटिस्ट को कोलैबोरेशन करना होता है डिफरेंट दूसरे साइंटिस्ट के साथ में, ताकि मिलजुल के रिसर्च कर सके। लेकिन हमारे देश में विभिन्न साइंटिस्ट के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो काफी कम होता है। अपने अपने ईगो के साथ साइंटिस्ट रहते हैं, मेरा एक्सपेरिमेंट मैं खुद ही करूंगा। जबकि दूसरे देशों में जब भी आपने देखा होगा कि नोबेल प्राइज जीतते हैं वो दो तीन साइंटिस्ट मिलकर जीतते हैं। हालांकि वो कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग उन्होंने काम किया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक साथ काम किया और उनको एक साथ ही नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन हमारे देश में विभिन्न साइंटिस्ट के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो काफी कम होता है। और होना तो ये चाहिए देखो कि साइंटिस्ट जो है वो सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालें, सोसाइटी को चेंज करें। लेकिन हमारे देश में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो तो सोसाइटी को ही शो कर रही है। जिस प्रकार से हमारा समाज है जाति धर्म और विभिन्न ग्रुप्स के नाम पर डिवाइडेड है, उसी प्रकार से हमारे साइंटिस्ट भी सोसाइटी की तर्ज पर ही डिवाइडेड हैं। तो ये कुछ रोड ब्लॉक्स हैं इनोवेशन और साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में। अब सबसे लास्ट में कंक्लूजन की बात आती है। कंक्लूजन में कहा जाता है कि देखो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि जिन साइंटिस्ट ने अच्छा काम किया है, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा के हों, कहीं के भी, मतलब इंडियन साइंटिस्ट ने जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, ग्रेजुएशन की बुक्स में या फिर दूसरी जगह पे उनका नाम होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर साइंटिस्ट इस प्रकार से अच्छा काम करेंगे देश के लिए लेकिन उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी सरकार, तो डेफिनेटली उनके लिए एक ये डिसइंसेंटिव है। तो सबसे पहले तो उन साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को सरकार को रिकॉग्नाइज करना होगा। उसके बाद राइटर कहते हैं लास्ट में कि देखो जिन जिन देशों पे वेस्टर्न कंट्रीज ने रूल किया था, ये सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, सभी देशों पे जिन पे वेस्टर्न कंट्रीज ने रूल किया था इसी प्रकार की रिसर्च रिलेटेड समस्याओं से वो देश गुजर रहे हैं। और इवन उन देशों में से तो इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हम अपना कंपैरिजन उन देशों के साथ नहीं कर सकते। हमें डेवलप कंट्रीज के हिसाब से अपना कंपैरिजन करना होगा अगर हमें हमारे देश को सुपर पावर बनाना है, अगर हमें हमारे देश को आगे लेके जाना है। तो इसीलिए जो भी ये रोड ब्लॉक्स जो हमने डिस्कस किए, गवर्नमेंट को उन रोड ब्लॉक्स को जल्द से जल्द दूर करना होगा और साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इनइक्वालिटीज यानी असमानताओं से संबंधित है। जीएस पेपर 2 में पुवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कंटेक्स्ट है? पिछले हफ्ते वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 डिक्लेयर की। इस रिपोर्ट में कहा गया इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में, यानी 1990-91 के बाद में इंडिया में असमानताएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं गरीब और अमीर के बीच की, यानी जो गैप है, जो खाई है अमीर और गरीब के बीच की, वो लगातार बढ़ रही है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहने लगे हैं अमीर लोग जो अमीर हुए हैं वो गरीबों को एक्सप्लोइट करके हुए हैं, इसलिए सरकार को अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। लेकिन राइटर इस आर्ग्यूमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में जो अपर मिडिल क्लास है या फिर जो अमीर लोग हैं वो मेजर रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये बात गलत है कि अगर अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए तो इससे गरीब लोगों को फायदा होगा। इसके दो रीजन हैं। एक तो देखो सीधा सीधा रीजन ये है कि विभिन्न स्टडीज ने, विभिन्न थ्योरीज ने अब ये शो कर दिया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स रेट रखती है तो कम लोग टैक्स पे करते हैं। तो एक लेवल के बाद अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो टैक्स पेयर्स की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि अगर देखो एक लेवल के बाद अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो अमीर लोगों के पास में भी इंसेंटिव नहीं रहेगा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम हो जाएगी। अमीर लोग सोचेंगे नहीं नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में, वो सोचेंगे नहीं अपने इनकम को इंक्रीज करने के बारे में, क्योंकि उनको ये लगेगा कि जितना ज्यादा वो पैसा कमाएंगे उतना ही ज्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी टैक्स रेट से, अगर टैक्स रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को असमानताओं को खत्म करने के लिए गरीब लोगों को इंपावर करने की आवश्यकता है काफी सारे क्षेत्रों में, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर एजुकेशन फैसिलिटीज सरकार सही से प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को तो गरीब लोगों को भी एजुकेशन प्राप्त करके अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी और वो इनकम लेवल में ऊपर आ जाएंगे। तो इससे गरीब और अमीर के बीच की असमानताओं को खत्म किया जा सकता है। तो अभी जो फंड्स गवर्नमेंट लगा रही है एजुकेशन सेक्टर में उनको ठीक से यूटिलाइज करना होगा गवर्नमेंट को, और ये इंश्योर करना होगा किसी भी तरह का भ्रष्टाचार एजुकेशन सेक्टर में ना हो, और बजाय इसके कि टैक्स रेट्स को बढ़ाया जाए टैक्स सिस्टम को रेशनलाइज करना होगा, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना होगा ताकि जो टैक्स चोरी है वो कम से कम हो बजाय इसके कि टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया जाए। तो ये पूरा कंसेप्ट था इनकम
इनइक्वालिटी से संबंधित में। अगर मोबिलिटी लानी है, गरीब लोगों को ऊपर लेके जाना है, इनकम लेवल्स उनका बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो आपका जो आइडियाज हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस आर्टिकल से। कोई भी आपसे पूछता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको गरीब लोगों को अमीर बनाना है या फिर उनके इनकम लेवल्स को स्ट्रेंथन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं आपको। आप इन पे और ज्यादा सोच सकते हो, डिलिब्रेशंस कर सकते हो और एक पूरा कंसेप्ट तैयार कर सकते हो, अपने आइडियाज को रिफाइन कर सकते हो। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बैम्बू ट्री से संबंधित है। जीएस पेपर 3 के अंदर टॉपिक है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कॉन्टेक्स्ट है? गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में चेंज किया ऑर्डिनेंस की सहायता से। अब नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी बंबू को काटा जा सकता है किसानों के द्वारा। फॉरेस्ट एरियाज में अभी भी नहीं काटा जा सकता, लेकिन नॉन फॉरेस्ट एरियाज में छूट दे दी गई है। नॉन फॉरेस्ट एरियाज में किसान बंबू को काट सकते हैं, तो इसके काफी फायदे होंगे। पॉल्यूशन भी कम होगा और इकोनॉमिकली फार्मर्स काफी इंपावर होंगे, तो वो सब डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। ड्राई लैंड एरियाज में भी बैम्बू को उगाया जा सकता है, लेकिन अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज उपलब्ध हो तो बैम्बू की पैदावार ज्यादा अच्छी होती है। अब देखो, जितना पानी गन्ने को चाहिए, जितना पानी एक गन्ने के प्लांट को एक दिन में चाहिए, उतना ही पानी चाहिए एक बैम्बू के प्लांट को एक दिन में, 10 से 20 लीटर तक। और बैम्बू का जो ट्री है वो टॉलरेट कर सकता है हैवी रेनफॉल को भी और लो रेनफॉल को भी। अब देखो, बात आती है हमारे देश में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है पूरे साल में, 2016 की हम बात कर रहे हैं, था 1900 किलोग्राम। यानी एक पर्सन एवरेज के तौर पे 1900 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है हमारे देश में, और एक बैम्बू का ट्री एक साल में 400 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप सोच के देखिए बैम्बू ट्री का कितना ज्यादा फायदा हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। अब कुछ एडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं। देखो, यमुना रिवर फिलहाल बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। अगर यमुना रिवर के किनारे किनारे पर ये जो बैम्बू के ट्रीज हैं वो उगाए जाएं तो इससे काफी फायदा हो सकता है। पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, इवन जो बैम्बू की जड़ें हैं, बैम्बू ट्री की जो जड़ें हैं वो 2 फीट से नीचे नहीं जाती, तो इससे फायदा ये होगा यमुना रिवर में जो अनट्रीटेड सीवरेज मटेरियल है उन मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स को सोख सकता है बैम्बू का ट्री। और बैम्बू को देखो, एनर्जी भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है बैम्बू का ट्री। अगर हम कंपेयर करें कोल से बैम्बू को, तो बैम्बू प्रोड्यूस करता है 4000 किलो कैलोरीज और कोल जो है वो उसी वेट का प्रोड्यूस करता है 3000 से 5000 किलो कैलोरीज। तो बैम्बू का जो ट्री है ऑलमोस्ट इक्वल या उससे ज्यादा जो किलो कैलोरीज है वो प्रोड्यूस कर सकता है कोल के मुकाबले में। और बैम्बू जो ट्री है वो एस कंटेंट काफी कम प्रोड्यूस करता है, पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है कोल से, लेकिन बैम्बू ट्री से अगर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो पोल्यूशन काफी कम होता है, डिस्पोजल में दिक्कत नहीं आती। कुछ इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं बैम्बू के बारे में। हमारे देश में सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड है बैम्बू ट्री का, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एरिया बैम्बू का है वो हमारे देश में ही आता है। और काफी सारी स्पीसीज हैं बैम्बू ट्री की, टोटल जो स्पीसीज हैं वो 1200 बैम्बू की स्पीसीज हैं, और उसमें से 136 जो बैम्बू की स्पीसीज हैं वो इंडिया में उपलब्ध हैं। नेशनल बैम्बू मिशन ने 16 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, उन 16 बैम्बू की स्पीसीज को यूज किया जा सकता है कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं गवर्नमेंट ने बैम्बू की खेती को प्रमोट करने के लिए, एंकरेज करने के लिए। इनके अलावा और भी काफी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि राइस और शुगर केन के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिटेबल है बैम्बू की खेती, फर्टिलाइजर्स की जो कंजम्पशन है वो काफी कम होती है, और कोल के मुकाबले में अभी हमने डिस्कस किया एक अच्छा अल्टरनेटिव है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बैम्बू का ट्री। अगरबत्ती की इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा रोल निभाता है बैम्बू का पेड़। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी काफी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है अगर किसान ज्यादा से ज्यादा बैम्बू को उगाते हैं तो। तो ये सारे कुछ फायदे थे बैम्बू ट्री के। इवन सबसे लास्ट में एक और भी है, कपड़ों को बुनने के भी काम आ सकता है बैम्बू। तो पोल्यूशन को कम करने में भी बैम्बू का यूज किया जा सकता है, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बैम्बू के वो भी काफी ज्यादा हैं। तो अगर देखो कंजर्वेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट की थी, तो न्यूज में क्वेश्चन बन सकता है, इस पे मेंस में आ सकता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया डिटेल से। उसके बाद हमने ये जाना कि रिसर्च जो है हमारे देश में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और गवर्नमेंट को उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सुधार करना होगा, और जिन साइंटिस्ट को सम्मान नहीं मिल पाता उन साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा। उसके बाद हमने इनइक्वालिटीज के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। सबसे लास्ट में हमने आर्टिकल डिस्कस किया बैम्बू ट्री के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।